आई थी उधर टोटो को देखो धक्का मार रही है शायद, आई थिंक कोई धक्का ना मार दे फिर भी देखो, रियली शी इज ग्रेट। हाय गाइस, मॉर्निंग सभी को। आज मैं आया हूँ कलचिनी। कलचिनी जो है एक ब्लॉक है आलिपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और वेस्ट बंगाल। मैं अभी वेस्ट बंगाल पे हूँ और मैं अभी टूर कर रहा हूँ डुअर्स। डुअर्स में काफ़ी अच्छा अच्छा आपको व्यूज़ मिल जाता है, या फिर टी गार्डन, या फिर खूबसूरती से सजाया हुआ डुअर्स है। जैसे कि अभी आपको यहाँ से ट्रेन जाते हुए मिलेगा सिलीगुड़ी। नसीब अच्छा है, आज ये ट्रेन भी मिल गया मुझे। ये जो ट्रेन पटरी है यहाँ पर कलचिनी पे, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो लोकल के लिए आता है। अगर आप डुअर्स टूर करना चाहते हो तो आप ट्रेन में टूर कर सकते हैं, जैसे कि विस्टा डोम, और नहीं तो कोई भी पैसेंजर इंटरसिटी या फिर कंचन कनिया जैसा ट्रेन यहाँ पे गुजरते हैं। यह शायद अभी कैपिटल होगा, कैपिटल एक्सप्रेस, रांची एक्सप्रेस है ये, सॉरी जंक्शन से छोड़ता है ये अलीपुर जंक्शन से। तो छोटा सा यहाँ पे दुकान वगैरह है कलचिनी के अंदर में, आपको काफ़ी सारे टी गार्डन मिल जाएगा। आज हम टी गार्डन विजिट करेंगे, और यहाँ पे देखो बस का अड्डा, गाड़ी का अड्डा सभी आपको मिल जाता है। और यहाँ से अलीपुर दो टू कलचिनी या फिर जगहों के लिए बस अवेलेबल है, या फिर ऐसा छोटा छोटा गाड़ी जो होता है यहाँ से काफ़ी अवेलेबल है। यहाँ पे ये वाला रोड जाएंगे तो अलीपुर आपको यहाँ से निकालेगा, और हम आज जा रहे हैं यहाँ पे। और ये है कलचिनी का ये चौक, और यहाँ का सब एक वॉलंटियर्स। हम आज यहाँ से जाएंगे, रेल गेट इतना देर तक निकाला हुआ था, यहाँ से चलते हैं। आज हम जाएंगे रायमटांग, थोड़ा मैं आपको घुमाने वाला हूँ आज डुअर्स, जो डुअर्स का मेन डुअर्स, जो सेंट्रल डुअर्स जिसे कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बहुत डुअर्स का नाम, पर आज मैं आप लोगों को घुमाऊंगा सेंट्रल डुअर्स। और आपको पता है लेडी आयरन ऑफ इंडिया, लेडी आयरन का नाम बताया गया था ना, वो देखो वहाँ पर वो काम कर रही है। दिस इज़ ऑसम एंड गॉर्जियस रियली। शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट हाइट में है, बट जो भी हो हाइट से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब है। शी इज रियली ग्रेट, अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी ट्रैफिक इतना दूर नहीं जाएगी। वहाँ पे देखो दो सिविक वॉलंटियर खड़े हुए थे, बट इनका काम देखिए, वो यहाँ पे लगातार सवेरे से लेकर के जितना उनका ड्यूटी आर होता है उतना ही चलते रहता है। सैल्यूट ही ये मैडम को, सैल्यूट ये मैडम को। और इनसे एक बार सुमुन अभी मिलने के लिए आए थे, उधर टोटो को देखो धक्का मार रही है शायद, आई थिंक कोई धक्का ना मार दे फिर भी देखो, रियली शी इज ग्रेट। जाम देखो यार, कोई तो पकड़ेगा भी नहीं, फिर ये इनको देखो सैल्यूट, रियली ग्रेट। काफ़ी जम हो जाता है यहाँ पर क्योंकि अभी अभी ट्रेन गुजरी है यहाँ से। और ये रोड भटपरा रोड आप इसे कहते हैं, सेंट्रल डुअर्स रोड इसे कह सकते हैं। ओह माय गॉड, कितना लंबा भीड़ हो गया पता नहीं। और सारा चाय बागान है ना, ज़्यादातर चाय बागान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक तो यहाँ पे मिलता है, और दूसरा आपको जो सेकंड मिलता है चालसा या फिर मल बाज़ार के उधर में। मल बाज़ार जो आता है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आ जाता है, और ये जो आता है कलचिनी अलीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। यहाँ पे दो ब्लॉक मिल जाता है जो चाय बागान से भरा हुआ है, एक तो ये वाला कलचिनी और दूसरा संकोस। ओह गॉड, व्हाट इज दिस, रांची एक्सप्रेस ये करके चला गया। सो चलो दोस्तों, मैं आप लोग को आज डुअर्स घुमाऊंगा, लगेगा कि डुअर्स रियली आप घूम रहे हैं। अब हम सीधे जा रहे हैं यहाँ से 15 या फिर 20 किलोमीटर दूरी पे, और पहुँचेंगे भूटान बॉर्डर रायमटांग। सेंट्रल डुअर्स में आपको घुमाऊंगा। यहाँ पे आपको डेली मार्केट मिल जाता है, दुकान है काफ़ी सारे। हम यहीं से गुजरेंगे एकदम सीधा, कहीं पे मोड़ेंगे नहीं, जहाँ पे रास्ता ख़त्म होगा बस हम वहीं पे मोड़ेंगे और देखेंगे आज का मजा। बस कीप वॉचिंग, कहीं पे जाइएगा नहीं अगर जा रहे हो तो भाई थोड़ा सा पॉज करके जाओ और वापस आ जाओ, क्योंकि मज़ा आएगा आप लोग को मेरे साथ में आज घूमने के लिए। शायद ऐसा भी आपको कभी कभार देखने के लिए मिला होगा, बट इतना डिटेल्स में नहीं है। आज मैं आप लोग को एक लोकल गाइड के जैसा घुमा करके दिखाऊंगा। यही अभी तक मैं कलचिनी का रोड में हूँ, रायमटांग रोड, या फिर जिसे भी कह सकते हैं आप। अगर रायमटांग जाना चाहते हो तो इनका कई सारा रास्ता है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसा करके रायमटांग में आना है। और यहाँ का फेवरेट फूड है मैं आपको बताऊँ, चाउमीन मोमो, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे लगभग। ये चाइनीज डिश या फिर नेपाली डिश आप कह सकते हैं यहाँ पे। और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे आज ज़्यादातर नेपालीज
एंड आदिवासी उन लोग को मिलेगा और ज़्यादातर बंगाली लोग को वहाँ पे मिलेगा, और अदर कुछ अदर का जेपसा भी है, बोडो है, मैच है, रावा है, वो लोग भी एक दो मिल सकते हैं। तो चलो चलते हैं, ये रहा कलचिरी बगान और यहाँ से वो पहाड़ दिखते हुए। बाय द वे हम उसी पहाड़ की ओर जा रहे हैं, चलो हम तो पहाड़ में चढ़ते हैं आज, देखते हैं मज़ा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को, ये देखो सर मैनेजर बंगलो यहाँ पे कलचिनी TE यहाँ पे बॉक्सा, वाह हम चलते हैं भाई। तो स्वागत है सभी को कलचिनी टी गार्डन पे। ये रहा कलचिनी का टी गार्डन, यहाँ से स्टार्टिंग हो चुका है। अगर आपको ऐसा टी गार्डन में मजे करना है तो सीधा चले जाइए, यहाँ पे है ही, बट मैं आपको कहूँगा सजेस्ट करूँगा सेंट्रल डोर्स में चले जाओ एक बार, तो आपको जो व्यूज़ आएगा, आपको जो मतलब वहाँ का टी गार्डन दिखेगा वो अलग ही है, जैसे कि आप दार्जिलिंग में देखते हैं उसी टाइप का ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बट उससे भी मैं कहूँगा उसका खूबसूरती अलग है, इसका खूबसूरती अलग है। तो चलते हैं और यहाँ का देखो गुजारा कैसे करके चलते हैं। यहाँ पे ये लोग घर के लिए ये लकड़ी ला रही है बगान से, क्योंकि ये जो यहाँ पे चाय बगान के थे उनको पौधे थे उनको उठा गया है, उठा करके यहाँ पे न्यू प्लांटेशन किया जाएगा, इनके लिए लोग लकड़ी ला रही है घर के लिए। और इस तरफ ना काफ़ी ज़्यादा लोगों का घर है, आपको पता नहीं चलेगा बट दूर दूर में है, क्योंकि एक एरिया वाइज में घर में है। ये मैं आज नहीं दिखाऊंगा बट दूसरा ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। कंटिन्यू करते रहो, मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, अगर किसी ने नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार, पैसा थोड़े लगता है, फ्री में तो होता है, कर दोगे बस वही थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है यार अगर आप लोगों करोगे तो। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलता है हमें, कोई बात नहीं है। पहाड़ दिख रहा है हमें यहाँ से और रास्ता भी पहाड़े ही खूब जाते हुए, बड़े खूब मज़े करेंगे, आप भी मज़े करो, हम सब भी मज़े करेंगे। अभी आओ, अगर घूमने के लिए आना चाहते हो तो डेफिनेटली यार आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को ये सब एरिया इजीली घुमा सकता हूँ, बस फ्री ऑफ कॉस्ट में तो नहीं कहूँगा बट बहुत मिनिमल कॉस्ट में अब मैं आप लोगों को घुमा सकता हूँ यहाँ पे, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ का बगान को उजाड़ चुका है, उजाड़ करके यहाँ पे नए प्लांटेशन करने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, एक छतरी है और इंडियन फ्लैग उनके साथ में, बंदूक के साथ में। ये चौक का नाम है राजीव थापा, शहीद राजीव थापा, आपने पहले देखा था ना, उनका नाम है। और यहाँ से आप बगान जा सकते हैं और यहाँ से आप भटपाड़ा जा सकते हैं, भटपाड़ा का नाम लिया था ना वो जा सकते हैं। देखो चाय बगान अभी कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, पूरा ग्रीनरी आ रहा है, सदर ग्रीनरी दिख रहा है यहाँ पे, इस तरफ भी दिख रहा है। कलचिनी ब्लॉक का सबसे बड़ा टी स्टेट है चुआपाड़ा टी स्टेट, उनके बाद में गंगटिया, गाड़ोपाड़ा, भटपाड़ा, अच्छापाड़ा, चिंचुला, लंकापाड़ा, नहीं लंकापाड़ा एकदम से बड़ा यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे आता है आपका चुआपाड़ा, भटपाड़ा, अच्छापाड़ा, मेजपाड़ा, ये सभी आता है नीमती बगान और गरम पता नहीं यार कौन कौन बगान, सताली बगान बोल रहा हूँ, मधु बगान बोल रहा हूँ उनके बाद में। और सेंट्रल डुअर्स तो मैंने आपको विजिट कर लिया, तो कम से कम मैंने 15 डीमा बगान, डमडिम बहुत दूर में है, मैंने आपको कई सारा बगान का नाम बताया आज, होप आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि इतना सारा बगान का नाम लेना पॉसिबल नहीं है जब तक मैं उसको पढ़ के आप लोग को बताऊँ। तो यहाँ पर देखो मैं कहाँ से आया था, ओके मैं यहाँ से आया था, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो हैमिल्टन का एक रास्ता है, एक चाय बगान है, कौन सा चाय बगान है वहाँ तक आपको पहुँचा देगा, गंगटिया चाय बगान नहीं है, एक कौन सा चाय बगान है उधर, वहाँ तक आपको पहुँचाएगा। आज मैं दूसरा एपिसोड में घुमाऊँगा आप लोग का बस्ती, कलचिनी ब्लॉक में कोई भी सिटी नहीं है, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, एक तो टी स्टेट है, इंडियन विलेज कलचिनी ब्लॉक का विलेज मैं आपको बताऊंगा। विलेज यहाँ पे काफ़ी सारा है, छोटा छोटा विलेज है, पंचायत के अंदर में आता है, और कितना बड़ा ये भी आप घूम रहे हैं ना, ये भी पंचायत के अंदर में आता है। मैं तो आप लोगों को कलचिनी टी स्टेट का नाम बताना ही भूल गया था, अच्छी बात हुआ कलचिनी को नहीं बोला, बता दिया कि इतना बड़ा बड़ा पेड़ कलचिनी में। कलचिनी में ना कलचिनी एक थाना भी है कलचिनी पे, पर कलचिनी ब्लॉक यहाँ पे नहीं, कलचिनी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है कि विलेज एरिया ज़्यादा फैला हुआ है, बट बगान भी बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है। मैं कहूँगा टी स्टेट भी कम नहीं है, टी स्टेट और विलेज एरिया बराबर है, मैं आपको घुमाऊँगा ना तब पता चलेगा। अब मैंने आपको लगभग आज टी स्टेट जो है कलचिनी का वो लगभग घुमा चुका हूँ, ख़त्म हो चुका है, कि एक ही रास्ता में टी स्टेट आपको मिलेगा और दूसरा जो है वो खासी मारा जाने का रोड में मिलेगा, क्योंकि जयगांव जो है जयगांव भी कलचिनी ब्लॉक के अंदर में आता है, और सिटी कहेंगे कलचिनी ब्लॉक का तो जयगांव ही है, हैमिल्टन तो उतना नहीं है, जयगांव के कि अच्छा डेवलप कर गया है, भूटान है,
इसलिए हम अभी फिर से पहुंच गए हैं कलचिनी। इतना देर तक मैं कलचिनी में नहीं था, इतना दूर तक मैं कलचिनी ब्लॉक में था। उनके बाद में भटपड़ा, चुहापड़ा, अच्छापड़ा, मेजपड़ा, सेंट्रल टूअर्स, उनके मैंने रायमटंग घुमा, रंगामटी घुमा, ये सारा प्लेस में मैंने आपको घुमाया। अगर ये वीडियो देखना चाहती हो कलचिनी ब्लॉक का थोड़ा कुछ, तो कार्ड में आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारा वीडियो मिल जाएगा, ये सारा कुछ मिल जा रहा है आपको, आप देख सकते हो। अभी फिर से आके कलचिनी में मैं फंस गया। तो इतना दूर दूर से देखो, ये लोग जो आ रहे हैं ना, ये लोग सामने का नहीं है, काफ़ी दूर दूर से है, मतलब देखने के लिए लगता है कि ये लोग बगल से है। लगभग सभी ऑफ बीट है भाई, अब जितना भी यहाँ पे गांव या फिर टी स्टेट घूमोगे सभी ऑफ बीट है। अब टी स्टेट घूमोगे फिर भी ऑफ बीट, अब गाँव घूमोगे फिर भी ऑफ बीट, गाँव तो आप घूमे नहीं, अभी गाँव ऑफ बीट है कि गाँव पर कम्युनिकेशन स्किल को उतना अच्छा नहीं है, कम स्किल नहीं कहूँगा, कम्युनिकेशन रोड कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, फिर भी पहले से डेवलप हो चुका है, तो अच्छा बात है। कलचिन में क्या है, ज़्यादातर आपको मैं आपको बता दिया, रावा बोरो, नेपाली, उनके बाद में आदिवासी, बंगाली, बिहारी, उनके बाद में राजस्थानी, ये सब मिल जाते हैं, पंजाबी, सब कुछ है, मिक्सर है। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे आयरन लेडी को मिली थी ना, अभी शायद आयरन लेडी का शिफ्ट ख़त्म हो गई है, अभी दूसरा वाला हमें मिल रहा है, अभी इस शायद दूसरा है, पहले बहुत ज़्यादा रस थे यहाँ पे, अभी बहुत कम हो गई है, अभी थोड़ा यहाँ से घुमाएंगे, ठीक है। कलचिनी का लास्ट चौक, भूख भी लग रहा है मुझे यहाँ आते आते आते। और ये क्या है, अमर शहीद वीर बिरसा मुंडा यहाँ पे है, और शायद ये कौन है पता नहीं, अभी यहाँ पे गोरखा भाई का एक तस्वीर लगाया गया है। जय गाँव हाँसी मरा नीमती अलीपुर द्वार, यहाँ से मिलेगा आपको एक छोटा छोटा बस, पुलिस स्टेशन यहाँ पे बगल में है। अब अगर इस एरिया में आ रहा हो ना, तो आप पुलिस का मदद ले सकते हो, पहले आप पुलिस स्टेशन का बात करो, उनके बाद में घूमने के लिए निकल जाओ, पुलिस का किसी का कंट्रोल रूम का नंबर तो मिलेगा, तो मैं यही बोल रहा था पहले आपको, बात बाकी मैं आपको बताना भूल गया। तो लोग बहुत हेल्पफुल है, ये नहीं कि आपको मदद नहीं करेगा, क्योंकि इन लोग का सिविक वॉलंटियर हर जगह में फैला हुआ रहता है, आप उन लोग का थोड़ा थोड़ा मदद ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं भाई, मैंने आपको बता दिया कलचिनी ब्लॉक का कहानी। यहाँ पे बाजार जो होता है, डेली मार्केट यहाँ पे कलचिनी में होता है, और संडे मार्केट आपका लगता है हैमिल्टनगंज में, यहाँ से हैमिल्टनगंज 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और उनके अलावा खुद का एरिया में छोटा छोटा बाज़ार लगता है, जैसे कि आपने रायमटान में देखा होगा, तो रायमटान अगर नहीं देखे तो वहाँ पे कलचिनी ब्लॉक के अंदर में छोटा छोटा बाज़ार होते रहते हैं, वहाँ पे डेली मार्केट, वहाँ से लोग सब्जी उब्जी खरीदते रहते हैं। और कभी कभार यहाँ पे शादी वादी होता है, तो ये देखो ऐसा बाजा उजा लेकर के कुछ शायद बिहारी लोगों का कुछ शादी है। और यहाँ पे करगिल चौक, कलचिनी का ये जो है करगिल चौक, जहाँ पे करगिल हुआ था, तो यहाँ पे कुछ काफ़ी नेपालीज भाई ने यहाँ का शहीद हो गया था जब इंडिया और पाकिस्तान करगिल को युद्ध हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे इस एरिया का नाम रख दिया करगिल चौक। और उनके बगल में आप जाएंगे तो आपको पुलिस स्टेशन वहीं पे मिलेगा, करगिल चौक का अपोजिट साइड में। और यहाँ पे एक हिंदी स्कूल भी है, अब हिंदी स्कूल कलचिनी हिंदी स्कूल और पुलिस स्टेशन में लगा हुआ है। बस यही बताना था यार, अगर कलचिनी ब्लॉक का बारे में और भी जानकारी चाहिए तो डिटेल्स आपको पता चल जाएगा, मेरा वीडियो देखो, वहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन सिर्फ लोकल ट्रेन के लिए है, यहाँ पे इंटरसिटी के लिए और एक पैसेंजर के लिए होता है। इंटरसिटी एक बार आते हैं, पैसेंजर एक बार आते हैं, अप एंड डाउन होता है, बस इतना ही है। अगर आप पैसेंजर चढ़ना चाहती हो तो लगभग 2:30 बजे शायद यहाँ से है, 2:30 या 2 बजे है, और इंटरसिटी शायद शाम को है या फिर 6 बजे है रिटर्निंग, और वहाँ से 8 बजे है, वहाँ से जब यहाँ पे आओगे तो 10 बजे शायद पहुँचा देता है यहाँ पे। और उसके बाद में बस यही है, ये रोड आपको NGP तक ले जाता है, सिलीगुड़ी तक है, पश्चिम बढ़ा होकर। तो मैं यहाँ पे आ गया निमती मोड़ पे, तो निमती मोड़ से अगर जाते हो